एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशंस ₹1, ₹2 एंड ₹5। द नंबर ऑफ टू कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी? तो देखो क्वेश्चन है इजी, ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। आप थोड़ा सा इसको रिलैक्स होकर ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? सबसे पहले दिया है कि मेरे पास ₹300 हैं, टोटल ₹300 हैं। ठीक, अब इस ₹300 में एक का कॉइन है, दो का कॉइन है और ₹5 का कॉइन है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स हमको नहीं पता है कि ₹1 का कॉइन कितना है, ₹2 का कॉइन कितना है और ₹5 का कॉइन कितना है। लेकिन ये क्वेश्चन में बता दिया है कि जो ₹2 का कॉइन है वो ₹5 के कॉइन से 3 गुना ज्यादा है। ठीक है, और ये बता दिया है कि जितने भी कॉइन्स हैं, टोटल कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160 है। अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि ₹1 का कॉइन कितना है, ₹2 का कॉइन कितना है और ₹5 का कॉइन कितना है। ठीक है, चलिए इसको व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। अगर पिछले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ देखो, ₹1 का कॉइन है, ₹2 का कॉइन है और ₹5 का कॉइन है। ठीक है, ये कॉइन कितना है ये नहीं बताया गया है, हमको फाइंड आउट करना है कि ₹1 का कॉइन कितना है, ₹2 का कॉइन कितना है और ₹5 का कॉइन कितना है। अब ये कितना है ये हमको बता दिया गया है कि टोटल जो नंबर ऑफ कॉइन्स है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है 160। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ कॉइन्स। इसके बाद ये बताया गया टोटल अमाउंट, यानी कि ₹1 का जितना भी अमाउंट होगा, ₹2 का कॉइन मिला के जितना भी अमाउंट होगा और ₹3 का कॉइन मिला के जितना भी अमाउंट होगा, इन सब का टोटल ₹300 है। ठीक है, तो मेरे पास, क्वेश्चन में ये बोला गया कि मेरे पास ₹300 है जिसमें से सब कुछ कॉइन है, 1 का कॉइन है, 2 का कॉइन है, 5 का कॉइन है। 1 का कॉइन कितना है नहीं पता, 2 का कॉइन कितना है नहीं पता, 5 का कॉइन कितना है नहीं पता। क्या पता है कि 100, तीनों का जो कॉइन नंबर ऑफ कॉइन्स है वो मिला के 160 है। एक चीज़ और पता है कि जो 2 का कॉइन है वो 2 का कॉइन 5 के कॉइन से 3 टाइम्स है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे ₹5 के कॉइन से। तो नंबर ऑफ ₹5 कॉइन, अगर हम बेस ले लेते हैं कि नंबर ऑफ ₹5 कॉइन, इसको मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तो ये हो गया एक्स। क्वेश्चन में बोला है कि ₹2 का जो कॉइन है 5 रुपीज से 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स क्या होगा 5 रुपीज का, यहां पर 3x है तो यहां पर कितना आएगा 3x। सेम नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, ये हो गया 3x। अब हमको क्वेश्चन में ये तो बताया नहीं है कि ₹1 का कॉइन कितना है। ठीक है, लेकिन ये बता दिया कि इन तीनों का जो कॉइन है वो टोटल 160 है, नंबर ऑफ कॉइन्स टोटल 160 है। तो अगर ₹1 का कॉइन हमको नहीं पता है, ₹2 का पता है और ₹3 का पता है कि कितना कॉइन है, तो इन दोनों को अगर ऐड करके इससे सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमको ये पता चल जाएगा कि ₹1 का कॉइन कितना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ ₹1 कॉइन इज इक्वल्स टू 160, तो टोटल कॉइन है, इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे इन दोनों का जितना कॉइन है, 3x माइनस सॉरी 3x प्लस एक्स। ठीक है, समझ में आ गया आपको। टोटल कॉइन्स में से अगर इन दोनों के नंबर ऑफ कॉइन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 100 सॉरी ₹1 का कॉइन कितना है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये होगा 160 माइनस, दोनों का वेरिएबल सेम है तो ऐड कर लेते हैं 4x, यानी कि ₹1 का जो कॉइन है वो 160 माइनस 4x है। अच्छा, तो अब ये हमको क्या पता चला है कि ये नंबर ऑफ कॉइन्स है। अगर हमको पता करना हो कि ₹1 का टोटल कितना अमाउंट है, ₹2 का टोटल कितना अमाउंट है और ₹5 का टोटल कितना अमाउंट है, तो क्या करना पड़ेगा, अगर ₹1 को उसके नंबर ऑफ क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाए तो पता चल जाएगा ₹1 का कितना अमाउंट है।
2 रुपीज को अगर उसके क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाए तो पता चल जाएगा कि 2 रुपीज का कितना कॉइन है। सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर यहां पर 3x नहीं होके 6 होता, मतलब 2 रुपए के 6 कॉइन है मेरे पास, तो टोटल कितना रुपया हो गया मेरे पास, 2 × 6 = 12 रुपीज। ठीक है, तो अब हमको अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो यहां लिखते हैं अमाउंट ऑफ 5 रुपीज कॉइन। पहले 5 रुपए का लिखते हैं, 5 को हम लोग बेच लिए, तो 5 रुपए का टोटल कॉइन कितना आ जाएगा, ये इंटू ये कितना हो गया, ये 5x। ठीक है, तो हो गया रुपीज 5x। ठीक, 2 रुपए का निकालते हैं अमाउंट ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स, ये कितना हो जाएगा, 2 × 3x, तो 2 × 3 = 6 हो गया, ये आ गया 6x, तो ये हो गया 6x। ठीक है, ये रुपीज है। अब फाइंड आउट करते हैं अमाउंट ऑफ 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी का कितना है, 160 − 4x, तो उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, 1 से करेंगे। अब 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर तो उतना ही आता है, इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो 160 − 4x, यही होगा। ठीक है, क्योंकि अगर 1 रुपए के 12 सिक्के हैं तो आंसर आपको 12 ही मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ने एक चीज हमको और बताया है कि जो इन तीनों का जो अमाउंट है वो सब मिला के 300 रुपए है मेरे पास। ठीक है, टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू रुपीज 300। अब ये 300 क्या है, इसका अमाउंट प्लस इसका अमाउंट प्लस इसका अमाउंट, तो यहां पर लिख लेते हैं टोटल अमाउंट अगर 300 रुपीज है तो इन तीनों अमाउंट को ऐड करना पड़ेगा। यहां लिख लेते हैं 300 इज इक्वल्स टू, या फिर पहले इधर से इसको लिख लो 5x प्लस 6x प्लस 160 − x इज इक्वल्स टू रुपीज 300, या फिर सिर्फ 300 लिख लो, लास्ट में आप रुपीज लगा सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कैसे आया, 5 रुपीज का जितना 5 रुपीज कॉइन का जितना अमाउंट है, 2 रुपीज का जितना अमाउंट है, 1 रुपीज का जितना अमाउंट है, इनका अमाउंट को ऐड करेंगे तो रुपीज 300 आएगा। ठीक है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स था और ये उसका अमाउंट है। ठीक है, तो जो 300 दिया है वो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट कैसे आएगा इन तीनों को ऐड करने से। अब यहाँ प्लस माइनस करना है आपको, देखो ये 5x प्लस 6x ये हो गया 11x, 11x में से ये वाला x सब्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो 5 प्लस 6 11, 11 माइनस एक्स ये हो गया 10। ठीक है, इज इक्वल्स टू, सॉरी ये x नहीं है 4x है। ठीक है, ये 4x इसलिए गलती हो रहा है। हाँ, तो अब यहां आएगा देखो 5x माइनस 6x 11, सॉरी 5x प्लस 6x 11x, 11 माइनस 4x, तो 11 माइनस 4 कितना हो गया 7x। ठीक है, साइन बड़े का ही लगेगा क्योंकि 11 जो है 4 से बड़ा था, प्लस 160 इज इक्वल्स टू 300। अभी 160 को आप राइट साइड शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ कन्फ्यूज मत होना, आप देखो इन दोनों को ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट करना है, बस ये हो गया 7x इज इक्वल्स टू 300 माइनस 160। ठीक है, 160 राइट साइड शिफ्ट हो गया, ये हो गया 7x इज इक्वल्स टू 140। x का वैल्यू ऑफ 1 फाइंड आउट कर सकते हैं, x के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 140 डिवाइडेड बाई 7। 7 से 140 डिविजिबल है, 7 एक प्राइम नंबर है तो दूसरा और किसी नंबर से नहीं कैंसिल होगा, ये हो गया 7 × 1 = 7, ये आ गया 7 × 2 = 14 और 7 × 0 = 0, x का वैल्यू आ गया 20। अब x क्या चीज है, x है हमारा 5 रुपीज का नंबर ऑफ कॉइन, यानी कि 5 रुपए का कितना कॉइन है हमारे पास, 20 कॉइन है। ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं 2 रुपीज का कॉइन कितना है, 3x है, 3 × 20 यानी कि 2 रुपीज का कॉइन हो गया 60। अब नंबर ऑफ 1 का 1 रुपीज का कितना कॉइन है, 160 − 4x, तो यहां पर कर लो, मैं यहां कर देता हूं 160 − 4x, 1 रुपीज का नंबर ऑफ कॉइन फाइंड आउट कर रहे हैं, x का वैल्यू 20 आया है, यहां पुट करेंगे तो 160 − 4 × 20, 4 × 20 कितना हो गया 80, 160 − 80 ये आ गया 80। ठीक है, ये सारा स्टेप आप यहां कर सकते हो या अलग से भी कर सकते हो, तो 1 रुपीज का कॉइन हमारे पास है 80। अब इसको आप वेरीफाई कर सकते हो, क्वेश्चन में हमको बोला था इन तीनों का नंबर ऑफ कॉइन मिला के 160 है। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करो,
20 प्लस 60 हो गया 80 प्लस 80 160 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 2.2 का फिफ्थ क्वेश्चन, सॉरी 15th क्वेश्चन।